आइए बंदरा की खास खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने को लेकर सोमवार को साइकिल यात्रा पर निकलेंगे बंदरा प्रखंड के रामपुर दयाल पंचायत के समाज सेवी धीरज कुमार। मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर दयाल निवासी समाज सेवी धीरज कुमार सोमवार को साइकिल यात्रा के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने राजधानी पटना पहुंचेंगे। रामपुर दयाल पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वार्डों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। पंचायत स्तर की योजनाओं जैसे नल जल सहित मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, विभिन्न योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर उचित कार्रवाई का मांग उनका वर्षों पुराना है। धीरज कुमार लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे हैं और आवाज उठाते रहे हैं। A2Z न्यूज लैब से आज बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि नल जल योजना को लेकर जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने जांच अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत उन्होंने रामपुर दयाल पंचायत के 8 एवं 9 वार्ड में जाकर खुद जांच की। इस दौरान पाए गए गड़बड़ियों पर उन्होंने संज्ञान लिया और 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी पदयात्रा कर वे पटना गए थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात का उन्होंने प्रयास किया लेकिन किसी कारणवश उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पाई थी। अब की बार वे साइकिल से यात्रा कर राजधानी पटना पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बंदरा प्रखंड के रामपुर दयाल गांव से हूं। कल आपकी यात्रा है साइकिल यात्रा, उसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। जी, हमारे पंचायत रामपुर दयाल में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिसकी शिकायत हमने प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय हो, मुख्यमंत्री सचिवालय हो, वहाँ तक कि पिछला वर्ष हमने पदयात्रा करके भी मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना किया। उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय का नल जल योजना की जांच भी हुआ हमारे पंचायत में, उसके बाद भी सही जो ठोस निर्णय कदम उठाने चाहिए प्रशासन को उसने नहीं उठाया। इसी कारण से हम फिर से साइकिल यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ मिलने के लिए। वैसे तो जिलाधिकारी आए थे, आपके यहाँ जो भी त्रुटि पाई गई है उसमें उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर में इसको पूरा कर लिया जाएगा, तो क्या ऐसा नहीं हुआ? जिलाधिकारी महोदय ने जिन वार्डों में देखा 8 और 9 में केवल वही केवल ठीक किया गया, बाकी बाद और जगहों पर स्थिति वही है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम पूरे प्रखंड क्षेत्र के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि आपके पास आज भर का समय है, आप सुबह 7 बजे हमारे साथ, अगर आपके पंचायतों में भी भ्रष्टाचार है, अगर गड़बड़ी है, तो हमारे साथ साइकिल यात्रा कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने चलिए और हम लोग मिलके उनको हर समस्याओं को अवगत कराएंगे। नल जल योजना हो, मनरेगा हो, सड़क हो, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं सहेंगे। उधर पियर थाना क्षेत्र के बलहिया गाँव में पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक पियकर को गिरफ्तार कर लिया, न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान गांव के ही रामदहिन राय के पुत्र वीरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। पियर थाना के अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने बताया कि वीरेंद्र कुमार शराब पीकर ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहा था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों भी उसे गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव से उसे एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उधर कृषि कानून के खिलाफ बंदरा प्रखंड के सिमरा में भाकपा माले ने आज प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन किए गए। केंद्र सरकार के किसान विधेयक कानून के खिलाफ भाकपा माले ने आज बंदरा प्रखंड के भानस टोला के चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। आंदोलनकारी किसानों पर दमन के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। उधर बंदरा प्रखंड के हत्था पंचायत के चांदपुरा ठाकुरबाड़ी पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंदरा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों से भी चंदा उगाही कर राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाए। RSS के कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार के बारे में भी रणनीति बनाई, साथ में राजनीतिक हालात पर भी चर्चा किया गया। इस दौरान जिला महामंत्री मनोज कुमार, जिला प्रचारक अजय, अरुण, प्रणव, निरंकार, सुभेश, अशोक कुमार मुकुंद समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं की खासतौर से उपस्थिति देखी गई। उधर हत्था OP ने भी पियकरों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मुन्नी चौर की सड़क से 3 युवकों को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। आरोप है कि तीनों शराब के नशे में थे। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हत्था OP के अध्यक्ष मोहम्मद समीम अख्तर ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शराबियों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा।